Hi, this is Yogendra Tuteja at Tuteja Talks Desi Martini, and let me share with you my review of The Bung 3. First things first, picture dekhi, okay lagi. Not that I was expecting a lot from the film, because The Bung aur The Bung 2 ka ek particular template hai, toh usi template mein mujhe ummeed thi ki The Bung 3 bhi hogi, ki jaldi humor bhi hoga, action bhi hoga, thoda bahut drama bhi hoga, gaane definitely ho gayi, and then Salman Khan ka jo Chulbul Party ka character hai, wo aur zyada ubhar ke aayega, especially isto kyunki film ek tarike se prequel hai. तो ये बताया जा रहा था इस फिल्म में कि सलमान खान चुलबुल पांडे बने कैसे, रॉबिनहुड पांडे कैसे उनका नाम हुआ. तो लगा था कि चलिए एक अच्छी पिक्चर देखने को जरूर मिलेगी, मे बी नॉट समथिंग माइंड ब्लोइंग बट नॉट समथिंग विच डजंट वर्क एट ऑल. तो हुआ कुछ ऐसे, तो फिल्म टर्न्स आउट टू बी जस्ट अबाउट ओके. जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, फिल्म जो है अपनी पेस पर चलती है, पौने तीन घंटे की फिल्म है. मुझे लेंथ से जनरली प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज अगर फिल्म एंगेजिंग हो, एंटरटेनिंग हो, एक्साइटिंग हो, तो पौने तीन घंटे के आप साढ़े तीन घंटे में फिल्म दिखाइए, देख सकते हैं. बट देन यहाँ पर जो फिल्म है, कहानी जो है, क्योंकि सिर्फ एक लाइन की है, तो लगता है कि आपने ढाई पौने तीन घंटे क्यों उसको खींचा, बिकॉज बिल्डअप होते होते ही पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ निकल जाता है. इंटरवल पॉइंट आता है, पता होता है कि इसी तरीके का कुछ इंटरवल पॉइंट आएगा, बट देन यू आर ऑल्सो ओके विद दैट कि चलिए ठीक है इंटरवल तो है, बिकॉज फर्स्ट हाफ जो सवा घंटा डेढ़ घंटे के अराउंड जो चलते हैं, तो आप पूरा का पूरा टाइम बेचैन रहते कि यार कहानी आगे बढ़ाओ, बिकॉज आपने चुलबुल पांडे को दिखा दिया, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी जिनसे उनकी शादी होने वाली थी साई मंजरेकर, उनको दिखा दिया. सोनाक्षी सिन्हा का छोटे से एक दो सीन आते हैं, बट देन प्राइमरली इट्स अबाउट that life that Chulbul Pandey had lived many many years back. तो उसमें काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है. ऑफ कोर्स जो सुदीप है, जो फिल्म के विलन है, वो भी दिखाए जाते हैं. बट देन प्रॉब्लम ये है कि जो पूरी की पूरी कहानी है, सर टिपिकल हीरो हीरोइन विलन की जो एक टिपिकल कहानी होती थी 70s 80s में, ये वैसी है ना. अगेन प्रॉब्लम नहीं है उससे. ऐसी कहानियों पे अगर अच्छी फिल्म बना दी जाए, अगर एंटरटेनिंग फिल्म बना दी जाए, अगर प्लॉट्स हो, सब प्लॉट्स हो, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, एक्साइटिंग डायलॉग बाजी वगैरह हो, तो फिल्में चल जाती है. बट देन यहाँ पर फिल्म जो है उसमें उतार चढ़ाव रहता है, कोई भी बहुत मेजर पीक नहीं आता. ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट इंटरवल पॉइंट भी जो है वो थोड़ा सा सेट टाइप का ही है. जनरली होता है कि जो इंटरवल पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी एक्सिलरेटिंग होते हैं, बहुत एक्साइटिंग होते हैं, एक जोश आता है कि आप बाहर भाग के जाए, पॉपकॉर्न ले और वापस आ जाए. यहाँ पर एक सैड पॉइंट पे जाके इंटरवल हो जाता है, तो फिर आप कहते हैं चलिए ठीक है अभी वापस एक फिल्म की लय बनेगी, आप आएंगे, आप फिल्म को देखेंगे. सेकेंड हाफ जो है कंपेरेटिवली फर्स्ट हाफ से बेटर है, रीजन भी कि यहाँ पर थोड़ा बहुत ड्रामेटिक एलिमेंट आ जाता है. बट देन यहाँ पर भी एक बात है, जो को ड्रामेटिक एलिमेंट है सलमान खान और सुदीप का, अगर वो और ज़्यादा एक्साइटिंग होता तो मज़ा आ जाता, बिकॉज उन दोनों के बीच में एक दो सीन है जो बहुत अच्छे बने. तो मुझे ऐसे लगा था कि अगर ऐसे सीन्स फिल्म में और होते, कुछ कॉन्फ्रंटेशन होती, ड्रामा होता, तो और भी अच्छी बात हो जाती. बिकॉज अगर हम पहले की दबंग देखें, सोनू सूद थे या प्रकाश राज थे, उनके करेक्टर्स इस तरीके से लिखे गए थे कि जब भी सलमान खान इनके सामने आते थे तो लगता था कि अब फायरवर्क्स हो गए. यहाँ पर ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बिकॉज ऑफ विच थोड़ा सा अंडरवेलमिंग सा लगा. उसके बाद ऑफकोर्स जो क्लाइमेक्स की फाइट है, काफ़ी कुछ बोला गया था उसके बारे में कि 10-15-20 मिनट की है, वो 6 मिनट की फाइट है. 6 मिनट्स के अराउंड इन दोनों के बीच में एक फाइट रहती है, जो अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी है, बट देन नॉट समथिंग दैट यू हैवन सीन बिफोर. बट देन एट द एंड ऑफ द डे इट इज स्टिल एक्साइटिंग, एक हाई पॉइंट फिल्म का जरूर है. येस देयर इज अ बिल्ड अप टू दिस 6-7 मिनट्स ऑफ फाइट, तो शायद उसको मिलाकर बोल रहे होंगे कि 15-20 मिनट है, बट स्टिल ऑल सेड एंड डन फिल्म का एक ये बेटर पार्ट है. What also works for the film is of course Salman Khan, because Salman Khan has done well, he's really enjoying this character as Chulbul Pandey. Unko definitely maja to aati hai is character ko play karne mein. The good thing is he looked very well. Film mein wo acche lage hain. जो उन्होंने प्रीक्वल में काम किया है, जो प्रीक्वल वाले जो सीन्स हैं, जब उनकी एक यंग टाइम दिखाया गया, उसमें एक्चुअली वो काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी कन्विंसिंग भी लगे. और उसके बाद जब वो चुलबुल पांडे के रोल में आए हैं, तो उसमें डेफिनेटली मज़ा आता ही है. सोनाक्षी सिन्हा का फिल्म में ठीक ठाक काम है, जितना रोल है उन्होंने ठीक किया. बट देन साई मंजरेकर, शी इज प्लेन एवरेज. फिल्म में उम्मीद करी जाती है कि जब कोई न्यू कमर आए तो काफ़ी अच्छे से एक अपना इंप्रेशन बना सके. शी इज जस्ट अबाउट ओके देयर. एज फॉर अरबाज खान, ही हैज डन वेल इन द फिल्म. उनका रोल है फिल्म में, काफ़ी रोल है, तो आप देखेंगे तो यू गेट टू नो. बट मुझे समाव फिर भी लगता है कि जो अरबाज खान ने दबंग डायरेक्ट करी थी वो शायद सबसे अच्छा एफर्ट था. दबंग आई थी, दबंग 2 आई थी, अब दबंग 3 आई है, प्रभु देवा है, स्टाइल कोशेंट लाए हैं, डेफिनेटली है स्टाइल कोशेंट, प्राइमरली इन द एक्शन सीक्वेंसेज, नॉट एज मच इन द ड्रामा. बट देन जो अरबाज खान ने जब सेकेंड दबंग बनाई थी, मुझे ऐसा लगता था दैट वॉज अ ओवरऑल कम्प्लीट मसाला फिर, वो जो थी वो मुझे ज़्यादा अच्छी पर्सनली लगी थी. बट देन यहाँ पर जैसा मैंने कहा, ओवरऑल एक मसाला फिल्म की उम्मीद थी, बट देन इट टर्न्स अबाउट टू बी जस्ट अबाउट ओके. तो अब देखते हैं फिल्म आगे कैसे चलती है, बिकॉज सिंगल स्क्रीन्स वगैरह में डेफिनेटली ऑडियंसेज आ जाएंगे ओवर द वीकेंड, बट देन मल्टीप्लेक्सेस में
keeping fingers crossed, we'll have to be seen ki Saturday, Sunday tak aate aate kitni traction film ko mil paati hai. So because of all of these reasons, my rating for Dabang 3 is 2.5 stars. This is Jogendra Tuteja signing off from Tuteja Talks, Desi Martini.